वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 1 अक्टूबर 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। चलिए देखते हैं आज हमें द हिंदू में क्या पढ़ना है। पहला है, रिजर्व बैंक रेजेज रेट बाई 50 BPS ब्रिंग डाउन ग्रोथ आउटलुक टू 70%। ये पहला हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे, ठीक है, सीधा पेज नंबर 8 पे। इस पे हमें पढ़ना है नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये पहले आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग मेक इट ईजियर फॉर मोर वुमन टू गेट सेफ अबॉर्शन। तो जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कल आई थी, ठीक है, कल मतलब कल के न्यूज़पेपर में थी, जिसमें था कि ये बहुत सारी वुमेन के लिए, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि बहुत ईजियर कर दिया है वुमेन के लिए गेट सेफ अबॉर्शन, ठीक है, उनके लिए सेफ अबॉर्शन का रास्ता खुल गया है। द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग होल्डिंग द सिंगल एंड अनमैरिड वुमेन हैव द सेम राइट टू मेडिकली सेफ अबॉर्शन एज मैरिड वुमेन इज अ नेसेसरी इंटरवेंशन टू सेट राइट एंड एनॉमली बिटवीन द लेटर ऑफ द लॉ एंड इट्स प्रैक्टिस। तो देखो, मैरिड वुमन के साथ साथ जो सिंगल हैं, ठीक है, और अनमैरिड हैं, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है और सिंगल हैं, उनके पास भी राइट है कि वो मेडिकली सेफ अबॉर्शन करा पाए, ठीक है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, एंकर्ड ऑन द क्वालिटी क्लॉज, ठीक है। तो ये हमें ये वाली लाइन याद रखनी है, ठीक है, 1 मिनट। तो हमें कौन सी लाइन याद रखनी है इसमें? इसमें हमें याद रखना है कि जो सिंगल और अनमैरिड वुमेन हैं, उनके पास भी सेम राइट है कि वो मेडिकली सेफ अबॉर्शन करा पाएँ, जैसे कि मैरिड वुमेन हैं, ठीक है, उनकी ही तरह वो भी सेफ अबॉर्शन करा पाएँ। ऐसा रूलिंग आई है। इसमें बताया जा रहा है, देखिए, इसमें है एंकर्ड ऑन द क्वालिटी क्लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज ऑन द राइट टू डिग्निटी प्राइवेसी एंड बॉडली ऑटोनॉमी ऑफ द वुमेन। द कोर्ट हैज़ रूल दैट देयर इज़ नो रेशनली फॉर द एक्सक्लूडिंग सिंगल अनमैरिड वुमेन फॉर द कैटेगरीज ऑफ वुमेन हु कुड सीक अबॉर्शन केयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो अबॉर्शन केयर भी उनको देना ज़रूरी है, बट बिफोर 24 वीक्स, ठीक है। अब जैसे 20 वीक्स और 24 वीक्स का है, उसके पहले ही अबॉर्शन जो है वो कराना सेफ़ होता है वुमेंस के लिए। तो ये बताया जा रहा है कि चाहे वो सिंगल या अनमैरिड वुमन हो या मैरिड वुमन, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी की लाइफ जो है लाइफ खतरे में ना आए, थ्रेट में ना रहे, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट हैड declined to allow the termination of the pregnancy of 25 years old woman who was in consensual relationship but did not want to carry the pregnancy to term after her partner declined to marry her। तो ये एक example हम लिख सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने decline कर दिया था, मना कर दिया था allow करने के लिए, terminate करने के लिए pregnancy एक 25 साल की लड़की को, ठीक है, वुमेन कह लीजिए, जो कि एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थी, पर जब उसके पार्टनर ने उससे मतलब प्रेग्नेंट थी वो, और उसके पार्टनर ने मना कर दिया था उससे शादी करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला केस है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया था, डिक्लाइन कर दिया था। द रीज़न सीरियड वॉज दैट बींग अनमैरिड एंड द प्रेगनेंसी हैविंग अकर्ड कंसेंशुअली सी वॉज नॉट एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ द अमेंडमेंट अंडर द रूल, ठीक है। तो इसलिए वो उस समय क्या था कि एलिजिबल नहीं थी रूल के लिए, ठीक है। द हाई कोर्ट टुक अ टेक्निकल व्यू एज रूल 3B, ये भी हमें मेंशन हम आंसर में कर सकते हैं कि रूल 3B विच लिस्टेड टू वुमेन एलिजिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सच एज रेप सर्वाइवर, माइनर, दोज फिजिकली डिसेबल एंड मेंटल इलनेस, मतलब जिसका जो माइनर है, जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज है, रेप सर्वाइवर है या मेंटल इलनेस है, उनके केस में क्या है, डिड नॉट एक्सप्लिसिटली इंक्लूड सिंगल वुमेन हु हैड बिकम प्रेग्नेंट इन कंसेंचुअल रिलेशनशिप। तो इनके लिए थोड़ा सा
अलग तरीके से ट्रीट किया जा सकता है इस सेंस में, ठीक है। चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर मेंटल इलनेस है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, रेप सर्वाइवर है या माइनर है। हाउएवर द कोर्ट हैज़ गिवन अ पर्पस मीनिंग टू द रूल चेंज इन द मैरिटल स्टेटस एज वन ऑफ द रीजन फॉर दिस अबॉर्शन ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड। तो इस आर्टिकल में कुल मिला के यही बताया जा रहा है कि अगर 24 वीक्स हुए हैं प्रेगनेंसी के, तो अगर अनमैरिड वुमेन है, मतलब गर्ल कह लो या वुमन, 25 ईयर्स ओल्ड वुमेन का केस था जो मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें यही बताया जा रहा है। और जैसे रेप सर्वाइवल है उस केस में, ठीक है, उसका इस तरीके से ट्रीट करना कि मतलब वो लीगली उसको राइट मिल जाता है कि मतलब एक तरीके से वो अबॉर्ट करा सकती है, और मेडिकल इलनेस, तो ये कुल मिला के अब ये आप जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बोल दिया गया है कि अबॉर्शन कराना, ठीक है, सेफ अबॉर्शन जो है वो राइट हो गया है, राइट टू मेडिकली सेफ अबॉर्शन सिंगल और अनमैरिड वुमन के लिए भी, ठीक है। तो ये इस न्यूज़ में था। आगे आ जाएंगे हम, एज इंडिया एजेस कीपिंग एन आई ऑन एल्डरली, तो इसमें क्या पढ़ना है, एज इंडिया एजेस कीपिंग एन आई ऑन द एल्डरली, इसमें क्या है, द यूनाइटेड नेशंस मार्क्स टुडे एज इंटरनेशनल डे फॉर एल्डर पर्सन अक्टूबर 21। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, आज के दिन जो अक्टूबर 1 है उसको इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन बनाया है, ठीक है, एज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स टू ड्रॉ अटेंशन टू हेल्दी एजिंग। रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है यूएन की, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 प्रोजेक्टेड बिग शिफ्ट इन ग्लोबल डेमोग्राफिक पैटर्न इन कमिंग डिकेड्स, ठीक है। तो ये है, ग्लोबल बर्थ रेट स्टेबलाइज एंड श्रिंक, 16% वर्ल्ड पॉपुलेशन बाई 2050 इज एक्सपेक्टेड टू मेड अप ऑफ पीपल ओवर 65 ईयर्स, इंडिया विल होम टू लार्जेस्ट पॉपुलेशन, इंडिया होम रहेगा लार्जेस्ट पॉपुलेशन का वर्ल्ड में, विच वुड इंक्लूड लार्ज एल्डरली सब पॉपुलेशन, ठीक है। तो इंडिया विल बी होम टू लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड विच वुड इंक्लूड लार्ज एल्डरली पॉपुलेशन, द डेमोग्राफिक चेंजेस विल हैव प्रोपाउंड इम्पैक्ट ऑन इट्स हेल्थ सिस्टम, इन दिस आई केयर सर्विस डिलीवरी इज यूनिकली प्लेस्ड टू बी फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द एल्डरली एंड टू ऑल्सो हेल्प द हेल्थ सर्विलांस एंड प्लानिंग। तो मतलब यहाँ से एक चीज़ निकल सकती है कि इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन रखा गया है, ओल्डर पर्सन रखा गया है किनके द्वारा, किसने रखा है, यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है। तो ये हो गया, फिर आगे आएंगे पेज नंबर 11 पे आ जाएंगे, इस पे लिखना है, इस पे कौन सा पढ़ना है हमें, जनरल अनिल चौहान अज्यूम चार्ज एज चीफ ऑफ डिफेंस, इस पे हम पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि वो उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS चुना गया है और वो लेफ्टिनेंट थे, ठीक है, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बस ये जान लेना है कि उन्होंने चार्ज जो है उसका ले लिया है, मतलब पोस्ट पे आ चुके हैं। उसके बाद आगे आसफा एक्सटेंडेड इन नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, तो आसफा, अब देखो हमारे सिलेबस में भी इससे रिलेटेड पढ़ना रहता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आसपा एक्सटेंडेड इन नागालैंड एंड अरुणाचल। तो इसमें क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज एक्सटेंडेड आर्म फोर्स स्पेशल पावर एट आसपा इन पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड फॉर अनदर 6 months, कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। द मिनिस्ट्री सेड इन अ नोटिफिकेशन दैट तिरप चेंगलांग एंड लॉन्गडिंग्स डिस्ट्रिक्ट, अब प्रोनंशिएशन अगर गलत होगा तो आप करेक्ट करिएगा, अरुणाचल प्रदेश एंड एरिया फॉलिंग विद द ज्यूरिडिक्शन ऑफ नमसाई, ठीक है, नमसाई एंड महादेवपुर पुलिस स्टेशन इन नमसाई डिस्ट्रिक्ट अलोंग द असम बॉर्डर आर डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड एरिया, ठीक है। तो डिस्टर्ब एरिया की तरीके से इसको रखा गया, मतलब डिस्टर्ब एरिया बोला गया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ आसफा, ठीक है, अंडर सेक्शन 3 ऑफ आसफा 1958 फॉर पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम अक्टूबर 1, तो मतलब आज से 6 महीनों के लिए
इस एरिया को जो यहाँ पे बताया जा रहा है उसको डिस्टर्ब एरिया की तरह अंडर सेक्शन 3 ऑफ आसपा 1958 रखा गया। मिनिस्ट्री से 9 डिस्ट्रिक्ट एंड 16 पुलिस स्टेशन इन 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड वर बीन डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब एरिया आफ्टर रिव्यू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन दिस स्टेट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, उसके बाद हमें कौन सा पढ़ना है देख लेंगे। तो हमने ठीक है ये देखा, उसके बाद हमको देखना है US sanctions India petrochemical, US sanctions India petrochemical company for Iran oil purchase। तो US ने सैंक्शन करा है इंडिया के पेट्रोकेमिकल कंपनी को ईरान ऑयल परचेज के लिए। अब देखते क्या है, द एक्शन अगेंस्ट मुंबई बेस्ड तिबलाजी प्रोनंसिएशन करेक्ट करना है आपको, इज वॉज सच अगेंस्ट एन इंडियन फर्म है ये द एक्शन अगेंस्ट मुंबई बेस्ड तिबलाजी इज फर्स्ट सच अगेंस्ट ऑन इंडिया फर्म एनी US बेस्ड असेट ओन्ड बाई इंटिटीज अगेंस्ट हुम सैंक्शन हैव बीन इम्पोज्ड विल बी ब्लॉक्ड। याद रखना है ये वाली लाइन, ठीक है। देखते हैं क्या बात हो रही है। इन अ फर्स्ट सच मूव अगेंस्ट ऑयल शिपमेंट टू इंडिया US ट्रेजरी डिपार्टमेंट एंड अनाउंस इट हैज इम्पोज सैंक्शन अगेंस्ट, कि उन्होंने सैंक्शन किया है किसके अगेंस्ट, मुंबई बेस्ड पेट्रोकेमिकल कंपनी के खिलाफ, अमंग सेवरल इंटिटीज अक्यूज्ड ऑफ सेलिंग ईरानियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इसलिए क्योंकि उन्होंने अक्यूज़ किया है कि वो लोग ईरानियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, हाँ पेट्रोकेमिकल कंपनी अमंग सेवरल इंटिटीज अक्यूज सेलिंग मतलब सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके चक्कर में ये चीज़ें करी गई हैं, याद रखनी है। ओके तो ये बात की जा रही है यहाँ पे, द कंपनी मुंबई बेस्ड तिबलाजी दैट वाज अक्यूज्ड ऑफ परचेजिंग शिपमेंट दैट वर देन सेंट टू चाइना एंड फर्स्ट इंडियन एंटिटी टू फेस द US डिजिग्नेशन अंडर यूनिलैटरल सैंक्शन। और पहली बार ऐसा दिखा जा रहा है कि फर्स्ट इंडियन एंटिटी है जो फेस कर रहा है US डेजिग्नेशन अंडर यूनिलैटरल सैंक्शंस जो कि पास किया गया 2018-19 में आफ्टर US ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन टू वॉक आउट ऑफ द न्यूक्लियर डील और ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जैकपोआ, ठीक है। तो यूनिलैटरल सैंक्शंस लगा, यूनिलैटरल सैंक्शन ठीक है ऑफ द US, द मोदी गवर्नमेंट अग्रीड टू एंड ऑल ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम ईरान इन 2019 दैट मेड अप अबाउट 11% ऑफ इंडियन इंटैक। तो मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में ये बोला था कि ईरान से परचेज नहीं करेंगे, तो ऑल अबाउट यही है कि यूनिलैटरल सैंक्शन और जो कि पर्टिकुलर एक फर्म के खिलाफ लगाया गया है जो अभी भी ईरानियन ऑयल को सेल कर रही थी। ये हो गया, आगे हम आ जाएंगे पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 पे हमें क्या देखना है, मोर्टैलिटी हायर अमंग COVID-19 पेशेंट विद द क्रोनिक डिजीज रिपोर्ट। रिपोर्ट भी क्या बताया गया है, मोर्टैलिटी हायर अमंग COVID-19 पेशेंट विद क्रोनिक डिजीज, कि जो मोर्टैलिटी रही वो COVID-19 पेशेंट में ज़्यादा रही कंपैरिजन टू क्रोनिक डिजीज़ के, ये चीज़ बताना चाह रहे हैं। इसके अंदर कैसे क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेनी है। इसके बाद हमें कौन सा देखना है, PM फ्लैग ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 फ्रॉम गांधीनगर। तो आपको पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर इन दिनों गुजरात में हैं, ठीक है, सूरत पहुँचे फिर गांधीनगर पहुँचे। तो यहाँ पे क्या न्यूज़ है, PM फ्लैग्स ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 फ्रॉम गांधीनगर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे फ्लैग्ड ऑफ द न्यू एंड अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द वंदे भारत एक्सप्रेस। तो न्यू और अपग्रेडेड वर्जन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस का उन्होंने क्या किया, विजुअल वो बताया, मतलब वो चीज़ जो न्यू और अपग्रेडेड वंदे भारत एक्सप्रेस है वो रन कराई जाएगी गांधीनगर टू गुजरात, रन फ्रॉम गांधीनगर से मुंबई तक, ठीक है। पोस्ट द फ्लैग ऑफ गांधीनगर स्टेशन मिस्टर मोदी ऑल्सो ट्रेवल्ड ऑन द ट्रेन अप टू कालूपुर रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे उन्होंने ट्रेवल भी करा। दिस इज़ द थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस इन द कंट्री आफ्टर न्यू दिल्ली वाराणसी एंड देखो कहाँ कहाँ, तीसरा वंदे भारत एक्सप्रेस है, थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस है ये, पहला न्यू दिल्ली टू वाराणसी चला, दूसरा न्यू दिल्ली टू
कर्ता समथिंग जो भी आप देख लेना क्या है. और तीसरा जो है वो अभी जो किया गांधीनगर से मुंबई. 16 कोचेस ट्रेन हैज़ अ सीट कैपेसिटी सीट कैपेसिटी 1128 पैसेंजर्स एंड विल हॉल्ट एट सूरत वडोदरा एंड अहमदाबाद बोथ डायरेक्शन. वन वे ट्रेवल टाइम फॉर ट्रेन फ्रॉम गांधीनगर टू मुंबई इज़ एस्टिमेटेड अराउंड 5 and a half hour लगेगा ऐसा बोला जा रहा है. तो मतलब कुल मिला के अच्छा इनिशिएटिव रहा. आगे देखेंगे, आगे आएंगे पेज नंबर 13 पे. पेज नंबर 13 पे हम आ गए हैं. ये है स्पोर्ट्स वाला पेज. इस पे देखते हैं क्या बात करनी है. पेज नंबर तो ये था हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस. पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू.